स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स RBL में। आपकी क्लास यहाँ पे UPASI स्पेशल क्लास चल रही है और ये जो क्लास है ये आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स क्लास है। इसमें जो है अभी तक हमारे 3 पार्ट बन चुके हैं और चौथे पार्ट में ये पूरा करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश का होगा ये पूरा इसी वीडियो में समाप्त होने वाला है। तो टोटल अभी तक हमने 150 क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं। तो यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन थे वो आपके 3 पार्ट में कम्प्लीट हुए हैं। तो 50-50 की हमारी 3 सीरीज़ बन चुकी है और ये चौथी सीरीज होगी और चौथी सीरीज में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब यहीं इसी में कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाके वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद हम आपको रीजनिंग की क्लास देने वाले हैं और यहां पे आपको हिंदी की क्लास भी मिलेगी। फिर उसके बाद कंप्यूटर की क्लास आपकी ऑलरेडी 80% सिलेबस आपका 80% जो है कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम के पहले 1 महीने पहले सारा जो कवर है, सारा जो कोर्स है वो लगभग हम करवाने की कोशिश करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में आपका कोर्स करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसके पहले 160 क्वेश्चंस वहां पे हो गए थे या फिर 150 क्वेश्चंस हो गए थे, एक बार देख लीजिएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 161 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन क्या है, पंडित जो है छन्नू लाल मिश्रा ठुमरी लिखा हुआ है, ठुमरी के लिए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 दिया गया है वह किस घराने से संबंधित हैं, वो किस घराने से संबंधित हैं। तो वो बनारस घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित हैं तो आपको बताना होगा कि वो बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो 162 क्वेश्चन में हमारा आता है क्वेश्चन कि कौन सा पुल भांगल पुल और नौ छैया और गंगा पर भोजपुर बक्सर पुल को जोड़ेगा जो उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी प्रदान करता है, है ना, या करेगा। तो वो आपका क्या है, विक्रमशिला सेतु। कौन है, विक्रमशिला सेतु होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ भारत अभियान के लिए अलीगढ़ नगर निगम ने पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वहां पे बन गए हैं आपके शहजान मुजीब बन गए हैं। कौन है, शहजान मुजीब इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चंस है हाल ही में रैपिड रेल प्रोजेक्ट्स दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जो है चलाई जाएगी जिसके लिए कौन ऋण दे रहा है, तो जिसके लिए हमारा जो एशियाई बैंक है, विकास बैंक है, वो ऋण यहाँ पे लोन दे रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक स्वरोजगार के लिए सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की गई है, तो वहाँ पे है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। कौन सी योजना होगी वो, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो है योजना होगी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि डिस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है, तो किस शहर में आयोजित किया गया है, वाराणसी में स्थापित किया गया है या फिर आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके लिए, आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया के योजनागत तरीकों से लैस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है, वाराणसी में किया जा रहा है। किस जिले में किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, तो आपको बताना होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो वाराणसी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो वो कहाँ पे है, इटावा में है। कहाँ पे है, इटावा में है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज उत्तर प्रदेश किस जनपद में है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका मलिका ए बेगम अख्तर की स्मृति में
किस भारतीय राज्य द्वारा बेगम अख्तर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। किस सरकार द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो आपको बताना है आपका लार्सन एवं टोबो कंपनी द्वारा इसको बनाया जा रहा है, इसका निर्माण करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो गंगा नदी के किनारे स्थित बसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी। वाराणसी को सबसे स्वच्छ, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, उस जिला के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान को वैदिक सिटी के रूप में निर्माण किया जा रहा है? तो आपका कौन है कि गढ़मुक्तेश्वर, जो आपका कहाँ पे है? हापुड़ में है। कहाँ पे है? हापुड़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहला हेल्थ एटीएम लगाया है? तो कहाँ पे लगाया है? लखनऊ में लगाया है, और वो आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया है। कहाँ पे? सॉरी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है, और ये भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 जिलों में साइबर थाने की जो है स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो वो आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो आपके साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि 18 जनपद को वहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, और वहाँ पे साइबर थाना स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब यहाँ पे हमारे जो है टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हमारे जो चार पार्ट है हुई है, इसके चार पार्ट में, तो इसमें आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के। और ये जो आपके उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चारों सीरीज देखेंगे, अगर हमारी चारों सीरीज देख लेंगे, तो आपके पांच क्वेश्चंस में चार क्वेश्चंस या फिर तीन तो आपके पक्का यहां से पूछ ही लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश का, जब जो आप एग्जाम दे रहे हैं UPSI स्पेशल का। तो अगर आपको और भी किसी पार्ट की क्लास चाहिए, इसका मतलब है रीजनिंग की क्लास चाहिए, मैथ की क्लास चाहिए, या फिर आपको किसी भी टॉपिक की क्लास चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम जरूर इसकी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप UPSI के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपको UPSI स्पेशल सारी क्लासेस आपको वो भी फ्री में मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।